दिल्ली के गोविंदपुरी में झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्निवास के लिए राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्निवास परियोजना के तहत बनाए गए 3024 नवनिर्मित EWS आवास। वहीं हमारे संवाददाता आज गोविंदपुरी में लोगों से बात करते नजर आए तो लोगों का साफ तौर पर कहना था प्रधानमंत्री द्वारा यह जो योजना बनाई गई है इससे झुग्गी झोपड़ी वालों को बहुत राहत मिली है, क्योंकि कोई भी सरकार झुग्गी झोपड़ी वालों को आज तक ऐसा कुछ नहीं दे पाई है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है लोगों ने। इस वक्त हम खड़े हैं दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में, जहाँ पर भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोगों को झुग्गी के बदले मकान दिए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और यहाँ पर देश की जनता को संबोधित किया था और दिखाया था कि इस तरह के जो फ्लैट हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं। हम खुद यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके के ये मकान हैं, कैसे ये दिखते हैं, इन सब की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 3024 जो हैं यहाँ पर जो टोटल मकान हैं वो बनाए गए हैं, 25 गज के ये मकान हैं और आवेदन के लिए 20 से 25 लोग हर रोज़ यहाँ पहुँच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के ये मकान बनाए गए हैं, क्या क्वालिटी है और कितने हवादार हैं, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं और जिन लोगों को ये झुग्गी मिली है, झुग्गी के मतलब ये फ्लैट मिले हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं गोविंदपुरी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले उद्घाटन किया है, जहां झुग्गी वहीं मकान। का जो मकान है वो आखिर कैसा दिखता है, क्या है वो मकान, हम आपको दिखाते हैं। चलिए, ये वो घर है जो लोगों को दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है मेन हॉल, जिसको बताते हैं आप ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं, इसके साथ ही किचन दिया गया है। ये किचन है, खाना बनाने के लिए किचन दिया गया है और साथ में आपको मैं बता दूं इधर के बाद मैं दिखाता हूं कि ये जो है ये टॉयलेट की सुविधा दी गई है, ये टॉयलेट बनाया गया है और इसके साथ ही ये बाथरूम है। बाथरूम में आप देख सकते हैं नल, शावर, गीज़र का भी जो है वो पॉइंट दिया गया है। गीज़र की व्यवस्था भी, सर्दी में गीज़र अगर लगवाना चाहें तो वो लगवा सकते हैं। वॉशबेसिन है और ये जो मेन है ये बेडरूम है, ये बेडरूम की शेप है। यहाँ पर बेडरूम की जो है एक अलग से रूम दिया गया है। एक हॉल है, एक किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है और ये बेडरूम है। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये बालकनी है, बिल्कुल ये बालकनी दी गई है। बालकनी भी हवादार है, सर्दियों में धूप सेकनी हो या गर्मियों में बाहर बैठना, हवा लेनी हो, ताज़ा हवा, एकदम हवादार मकान है ये। किसी अच्छी सोसाइटी में आप देखते होंगे जिस तरीके के फ्लैट हैं, उसी तरीके के फ्लैट हैं। यहाँ पर जो मटेरियल है वो भी अच्छा यूज़ किया गया है। टीवी का जो पॉइंट है, ये टीवी के पॉइंट दिए गए, साथ में केबल का पॉइंट, एकदम जैसे एक अच्छी सोसाइटी है, जिनको हम बात करें बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं उसमें जो सुविधा होती है वही यहाँ पर इन फ्लैट में दी गई है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ आपको, ये मेन हॉल है, ये मेन हॉल है, साथ में किचन है, साथ में बेडरूम और ये बाथरूम, उसके बाद टॉयलेट। ये 25 गज का टोटल एक जो फ्लैट है वो लोगों को दिया जा रहा है, झुग्गी वालों को, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये फ्लैट दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है लोगों का जो सपना है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, तो यहाँ पर उसकी एक पोजिशन स्लिप होती है जो भरी जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर उनको जो है रूम अलॉट होगा, उसके बाद इनको जो है चाबियाँ इनके घर की इनको सौंप दी जाएंगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग यहाँ पे अपने फॉर्म भर रहे हैं और जो है वो स्लिप भरी जा रही है, जिसके बाद इनको ये मकान दिया जाना है। हमारे साथ यहाँ पर जिनको ये झुग्गी के बदले मकान मिला वो लाभार्थी भी साथ हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, सर आप क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, झुग्गी के बदले आपको मकान मिल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने यहाँ का मेरा बचपना बीत गया है, मैंने सब चीज़ देखा है यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा, एक तो गंदगी ज़्यादा, कोई जैसे गेस्ट वेस्ट आते थे आने में हिचकिचाच करते थे तो बोलते थे कहाँ कैसे बंदे हैं, अब तो दिल भी नहीं करता। और तो मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, हर हर मोदी और घर घर मोदी, और मोदी जी आएंगे। और मैं ये कहता हूँ मोदी को, आप जो ये फ्लैट दिए आपने, बहुत धन्यवाद।
आपका करता हूँ। मेरा नाम सुरजीत। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी एक महिला है, आपके सर हम तो सिर्फ काम पे निकल जाते हैं, उसके बाद आप झुग्गी में रहते हैं, तो झुग्गी में क्या क्या दिक्कतें आपको दिक्कत है भैया? यहाँ पे आने से बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे आने से पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई नीचे आने का, कोई जाने का, बार बार कोई मतलब जाने आने की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे तो पानी के ले जाओ, कूड़े के ले जाओ, ये करो, वो चोर वो आ जाते हैं, बारिश आ जाती है तो भैया करंट लगने का भी डर होता है, बच्चों को करंट लग जाता है। यहाँ पे तो सब तरह की सुविधा है। थैंक यू सो मच मोदी जी, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से होगी और हमारी ज़्यादातर हमें बहुत सुविधा मिली है और खुशी भी है कि हमें झुग्गी से रहने के लिए फ्लैट मिल गया। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ कुछ और भी लाभार्थी हैं जिनको झुग्गी के बदले मकान मिल रहा है, उनको कितनी खुशी है इस बात की और उनका क्या प्रतिक्रिया, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसा लग रहा है आपको? खुशी तो है, खुशी तो है, खुशी बहुत है कि मकान मिल रहा है, इसीलिए खुश है। सुविधाओं के बारे में कैसे कहेंगे आप? झुग्गी में रहते तो यहाँ की सुविधा, यहाँ पे हमारा जनरेटर भी है लाइट के लिए, लाइट नहीं होती तो जनरेटर भी है, पार्क भी है बच्चों खेलने के लिए और साफ सुथरे मकान है। कैसा क्या कहना चाहेंगे इस पर? ना आपको कैसा लग रहा है कि आप झुग्गी से फ्लैट में आ रहे हैं और क्या क्या आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती थी, अब यहाँ पे अगर फ्लैट मिल रहा है तो कैसा महसूस कर रहे हो? देखिए जैसे कि हम लोगों को झुग्गी में से ऐसे फ्लैट मिल रहा है, अच्छी बात है, बच्चों के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि परवरिश के लिए सही होगा, क्योंकि उधर झुग्गी में हर चीज़ में दिक्कत होती है, जैसे बाथरूम वगैरह सामान घर में को हर चीज़ में दिक्कत है, लेकिन इधर आएंगे तो अच्छा लगेंगे। हमारे लिए बहुत अच्छा है जो इधर हमें मकान मिल रहा है, हम लोग तो बच्चों के लिए तो पर अच्छे के लिए तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, लेकिन सोचूँ कब आऊँगी हम लोग इधर, इसीलिए तो देखने आएंगे। हाँ खुश है, हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कैसे कुछ बोलूँ। तो ये थी लोगों की प्रतिक्रिया कि वो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, कितनी उनकी खुशी की लहर है कि जिस प्रकार उन्हें झुग्गी के बदले फ्लैट दिया जा रहा है। धन्यवाद करते हैं वो मोदी सरकार का कि उनके जो बच्चों का भविष्य है वो अब उज्जवल उनको दिखाई दे रहा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे पार्क है, काफ़ी सुविधाएँ हैं जो यहाँ पर उनको मिलने वाली हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अरुण कौशल, RBM News India, दिल्ली।